बाजार ने जनवरी महीने में कैसा परफॉर्म किया है ये भी हम आपको बता देते हैं, और उसके अनुसार आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं किस इंडेक्स सेक्टर और शेयर में अच्छा रिटर्न मिला है पिछले 5 सालों में। ये जनवरी का ट्रेंड हम आपको बता रहे हैं, ये रिसर्च लेकर आप अजयेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजयेश गुड आफ्टरनून, बताइए कैसा परफॉर्मेंस रहा है मार्केट का जनवरी में? जनवरी का महीना काफी इंटरेस्टिंग रहा है मार्केट्स के लिए। अगर आप फ्रंटलाइन इंडेक्स की बात करें तो बहुत ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिला है ऑन क्लोजिंग बेसिस, बट आप इंट्रा वॉलिटिलिटी की बात करें जो जनवरी के महीने में पिकअप होती है वो काफी बड़ी है। निफ्टी और निफ्टी बैंक का हल्का सा हरा निशान दिखा के बंद हुए हैं पिछले 5 सालों में, और स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि ये सारे नंबर्स 1% के आसपास ही बिलोंग करते हैं। इंडिविजुअल सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ निफ्टी आईटी इंडेक्स एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो ऊपर गया है। 3.5% की एवरेज रिटर्न हमने देखी है, 4 टाइम ये लास्ट 5 में से हरा निशान दिखाया है इसने, और बाकी सारी इंडिसीज जो है वो नीचे की तरफ गई है। वो निफ्टी फार्मा हो, ऑटो इंडेक्स हो, पीएसई बास्केट या पीएसयू बैंक इंडेक्स भी हो, 1% से लेके 5% की गिरावट देखने को मिली है। बट वॉलिटिलिटी जो है मैं बात कर रहा था वो जनवरी के महीने में पिकअप होती है। इंडिया विक्स इंडेक्स जो है 5 साल का एवरेज उसका 23% के लगभग है, और 10 साल का एवरेज जो है 18% का एवरेज बढ़ोतरी दिया है ये इंडेक्स ने। सो क्लियरली प्रूव करता है कि वॉलिटिलिटी जो है वो जनवरी का विनर रह चुके हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो जो स्टॉक गेनर्स है चंबल फर्टिलाइजर और रेडिको खेतान ने डबल डिजिट रिटर्न दिए हैं शेयर होल्डर्स को इस महीने में। और अगर मैं लूजर्स की बात करूं तो बहुत सारे बड़े नाम नहीं है इसमें, रेलिगेयर एंटरप्राइजेस, डिश टीवी, ईकेसी, इंजीनियर्स इंडिया और बामा लॉरी ऐसे कुछ नाम है जिन्होंने 8% से लेकर 16% की गिरावट देखी है जनवरी के महीने में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च ये आपके सामने रखे, और तेज़ी वाले शेयर देखिए चंबल फर्टिलाइजर्स, रेडिको खेतान, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिन्होंने के 5 साल का औसत रिटर्न हमने आपको बताया जनवरी में अक्सर यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलती है।